देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से वर्चुअल काशी से चलने वाली क्रूज के शुभारंभ के साथ ही बलिया के हुकुम छपरा में भी बलिया के बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने भी सामुदायिक जेट्टी का उद्घाटन किया। सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि यह कोई आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, सरकार के इस योजना से देश के 6.5 लाख गाँव के किसान समृद्ध होंगे। यह योजना प्रधानमंत्री के प्रयासों से किसानों तक पहुंचेगी। यह नए भारत का बदलता स्वरूप है। इस योजना से नदी किनारे खेती करने वाले किसानों के फसल को लाभकारी कीमत मिल सकेगी। लेकर प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से काशी से चलने वाली जो क्रूज है उसका शुभारंभ आज किया। ये नए भारत का बदलता स्वरूप केवल आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, आर्थिक समृद्धि के मुकाम तक पहुंचने के लिए हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांवों में रहने वाले किसानों की समृद्धि के लिए यह योजना और यह यात्रा मुकाम तक प्रधानमंत्री जी के प्रयास से जरूर पहुंचेगी। यह आज इसी का संकल्प हम लोगों ने यहाँ लिया है। के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती करने के लिए जो भारत सरकार ने योजना बनाई और उस योजना से जो किसान उत्पादन करेंगे उनकी लाभकारी कीमत मिलेगी। एक किसान होने के नाते जो मैं जितना जानता हूँ, किसान का उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन की लाभकारी कीमत मिलती है, तभी किसान की समृद्धि हो सकती है। और प्रधानमंत्री जी ने इस पर पूरी तरह तन्मयता के साथ कार्य करना और 2014 के बाद बदलते हुए भारत की तस्वीर दिख रही है, गांव में लोग इस बात को महसूस भी कर रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।